वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस, आज यहाँ से हो तो आज हम जाने वाले हैं हुबली और कल हम एक स्पेशल जगह पर जाने वाले हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा हम किधर जाने वाले हैं, लेकिन हमारा मैक्स बाबा नहीं आ सकता। ये देखो मायूस हो क्या बैठा है, ये क्यों नहीं आ सकता मना बताइए। क्योंकि गाइस रिजॉर्ट्स में होटल्स में पेट्स अलाउड नहीं रहते गाइस, और पेट्स अलाउड नहीं रहते गाइस, और हम इसी कार में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि सीट के नीचे चले जाते हैं। वाह कितना अच्छा व्यू है, ये नदी है पूरा समंदर जैसा लग रहा है, कितनी अच्छा व्यू है, मजा आ रहा है बहुत। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हुबली को और हम अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, बारबेक्यू नेशन को जा रहे हैं, आज बारबेक्यू के चीज मिलते हैं। अब हाँ मैं बैठा हूँ मेरे होटल रूम के बालकनी में, ऐसा सब बालकनी है लेकिन रूम अच्छा है, काफी अच्छा है। होटल का मतलब रूम ये तारा अंकल नाम का है हुबली में, और कल अम्मी का बर्थडे है 24th अक्टूबर, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। मैंने लेकिन अभी तक मैंने नहीं बताया कि कल हम कहाँ पर जाने वाले हैं। कल हम जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह जिसका नाम है डांडेली, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा। तो मैं आपको एक क्विक रूम टूर दिखा देता हूँ, तो उसे दरवाजे बंद करते हैं। और ये देखो बेड पर सड़ मछली पड़ी है, ये देखो मन्हा, और ये रहा रूम ऊपर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब पीओपी करते हैं हम इसे। और यहाँ पर एसी है, फैन भी है ये फैन भी है, ये एसी भी है, और यहाँ पर एक मिनी फ्रिज है, यहाँ पर एक मिनी फ्रिज है, और इधर ऊपर है टीवी बना सकते हैं, हमारे बैग हैं, और यहाँ पर हम टीवी बनाने का सामान। तो देखते हैं कल तो आखिर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये था एक तो हम आ चुके हैं बारबेक्यू नेशन में, तो अब क्या क्या होगा तो हम देखते हैं। ये रहे अपन, इधर आने वाला है बारबेक्यू, यहाँ पर सब गर्म होता रहेगा। हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट कॉर्न दिया है, चलो अगर यहाँ पर पानी पूरी या हम ये हमारे बर्थडे गर्ल हमें अस्सलाम बोलो। गाइस अब नेक्स्ट डे हो चुका है, अब हम नहा धो के रेडी हो गए, हम थोड़ी देर में नाश्ता करके निकलने वाले हैं डांडेली के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमारे साथ बने रहेगा। yeah,
अच्छा रोड है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। कहते हैं ना सफर खूबसूरत है मंदिर से भी। वैसे तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इसलिए कुछ रिजॉर्ट पर और काफी ज्यादा धूप है डांडेली में। गाइस हमारे रूम से व्यू देखो कितना अच्छा है, ये है काली रिवर, काफी अच्छा लग रहा है, व्यू मस्त है यहाँ पे। हम अभी स्विमिंग पूल में नहा के आए हैं। इधर देखिए गाइस कितना प्यारा रास्ता है, मजा आ रहा है। ये देखो अब हम लंच करने को जा रहे हैं स्विमिंग पूल, और यहाँ पर कॉटन के शॉर्ट्स को मत पहन के आना भाई साहब, इतना परेशान करते हैं ना। इसके बाद शायद हम राफ्टिंग करने जा रहे हैं, राफ्टिंग का शायद रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा, तो अब चलते हैं। कैसा बहुत ही ज़्यादा सारा स्विमिंग करके मैं थक गया हूँ, चलो। तो हम कैंटीन में आ गए, कैंटीन में आ गए। ये देखो भाई लेक के आसपास सब जगह काली रिवर, काली रिवर भाई। यहाँ पर मछलियाँ हैं आपको दिखने रही है तो, ये देखो छोटी छोटी, ये देखो भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कैंटीन पूरे लेक में बीच में है गाइस। Yes, yes. मैं भी 10 ये साथ मुझे 10 फुट पानी है वहां पर जाने वाला हूँ। मैं स्विमिंग करके आ चुका हूँ, मैं मम्मा ने स्विमिंग किया था लेकिन मैं उसमें छोटे स्विमिंग किया था, उसमें खुद में हमको स्विमिंग करके काफ़ी मजा आया। अब मैंने आम दे सकते हैं, रेजल्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको रूम में दिखाया है, रूम बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पर बेड है नॉर्मल, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड है, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बेड है, और मेन बात हमारा रूम 2-in-1 है। यहाँ पर रिवर व्यू के साथ साथ लेक व्यू कहते हैं क्या, रिवर व्यू कहते हैं उसमें लेक है क्या रिवर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पूल भी है भाई साहब बहुत ही अच्छा। मैं आज रात को यहीं बैठ के एडिटिंग करूँगा, मजा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हम व्यू पॉइंट पे आए हैं अब हमें, और ये देखो भाई व्यू, और उधर एक व्यू पॉइंट है भाई, इधर असली मजा आएगा। अभी
नेचुरल जैकोजी चालू नहीं हुआ है गाइस। नेचुरल जैकोजी कल शायद कल डैम पानी छोड़ेगा तो कल नेचुरल जैकोजी चालू हो जाएगा, तो कल हम नेचुरल जैकोजी डैम पानी छोड़ेगा तो एक्चुअली डैम की नदी है, तो कल अगर पानी आया ज्यादा पानी आया तो जरूर नेचुरल जैकोजी में जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो हम चाय पीते हैं, चाय हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अम्मे अपने बेटा नाम बोले, अपने बच्चे को बोले अम्मे। सेलिब्रेशन हो चुका है, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। होटल वाले ने अरेंजमेंट किया था, हमने बोला था, काफी अच्छा सा डेकोरेशन कर रहा है। अब देखिए स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर मन्ना। फिर से पूर्ण में कहते हैं डेढ़ घंटा नहा के आए हैं, फिर सुनाया अब हम नाश्ता कर जा रहे हैं। तो गाइस आज ये ट्रिप का आखिरी दिन, आज ये ट्रिप का आखिरी दिन हमारा, मतलब अब एक ही दिन के लिए आए थे, बड़े मिलकर आज यहाँ पर आए। आखिरी दिन में मतलब चेकआउट आज ही करेंगे, हम उसके बाद सफारी करने जाएंगे, पर अब फिलहाल के लिए हम नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ता के लिए बहुत लेट हो चुका है, शायद 10:30 बज गए हैं, नाश्ता आई थिंक हो गया रहेगा। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया रिजॉर्ट से, और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट था, विजिटिंग मोड से जरूर विजिट करना। और हमारा सफर भी कैंसिल हो चुका है, अब हम जाने वाले हैं डायरेक्ट हुबली को, हुबली के मॉल में घूमेंगे। बाय करो सब लोग, बाय करो डांडेली को, बाय 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 डांडेली। देखो रूल्स, चलते हैं अंदर। आज ये देखो गाइस छोटा क्रोकोडाइल, छोटा क्रोकोडाइल देखो गाइस, बोल दो फर्स्ट। ट्रेन आ गई। वापस कब जाते हैं? कब जाते हैं वापस? गाइस अब साथ पान खाने वाला है, फायर वाला। कैसा लगा? कैसा लगा?